हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर डिस्कस अबाउट आत्मबलि। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था कि आत्मबलि और इसके हमने जो क्लासिफिकेशन बताया था वेल्डिंग प्रोसेस का, उसमें हमने बताया था कि वेल्डिंग प्रोसेस दो तरीके की हो सकती है। पहला हमने बताया था फ्यूजन वेल्डिंग, दूसरा हमने बताया था कि हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग हमने बात करती है। तो आर्क वेल्डिंग हमारा, हमने बताया था आर्क वेल्डिंग जो पर्टिकुलर किसके अंतर्गत आता है, आर्क वेल्डिंग हमारा फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो हमने ये बताया कि आगे हम उसको चलेंगे तो उसमें एक एक करके उसमें एक्सप्लेन करेंगे और उसको हमें वर्किंग प्रोसेस समझना है। तो सबसे पहले हमने बात की है कि जो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत हमारा आता है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो आर्क वेल्डिंग का हमने यहाँ पे आर्क वेल्डिंग का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम, जो कि हमारे आर्क वेल्डिंग को शो करता है। अब इसके बाद हमने इस आर्क वेल्डिंग में बताया था कि इसमें सबसे पहले हमारी बात आती है कि पार्ट्स ऑफ आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के लिए जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है वो एसी और डीसी दोनों में से कोई एक ट्रांसफार्मर का यूज हम कर सकते हैं। अब वो किस बेस पे हमें करना है कि हमारा जो मटेरियल्स है वो जो मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम जिसकी हम वेल्डिंग कर रहे हैं, हमें जिस मटेरियल को ज्वाइनिंग करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे एसी ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं या फिर डीसी ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसी ट्रांसफार्मर का यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो एसी ट्रांसफार्मर का जो यूज हम करेंगे जहाँ पे हमें हैवी मटेरियल्स, हैवी वर्कपीस को हमें वेल्ड करना है, ज्वाइन करना है, या फिर हैवी से जो हमारी जो सीट्स होती है वो अधिक मोटाई की अगर है तो उस टाइम वेल्डिंग करना है, तो वहाँ पे एसी ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, मीन्स की अल्टरनेटिंग करेंगे। अब बात आते हैं डीसी करंट का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे लाइट वेट वाले जो वर्कपीस को ज्वाइन करना होता है वहाँ पे हम डीसी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया था कि एक हमारा इलेक्ट्रोड केबल, जिसकी इलेक्ट्रोड केबल इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड, अब इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा इस इलेक्ट्रोड केबल के सहायता से कनेक्ट किया गया किसे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से। उसके बाद हमारा एक यहाँ पे उसके बाद उस इलेक्ट्रोड होल्डर से हमने इलेक्ट्रोड का क्लैंप कर दिया है, लगा दिया इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर जो बात आती है इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड हम किस कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वर्कपीस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हमारा वर्कपीस है, कहाँ पे हमें उसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है और कहाँ पे हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा वर्कपीस है इसके लिए हमने कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है। अगर हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है इसकी, इसमें फ्लक्स की कोटिंग की जाती है। कंज्यूमेबल का मतलब है कि इसमें कोटेड रही हमारे इलेक्ट्रोड होता है, मीन्स उसमें एल्यूमिनियम, उसमें आयरन, नियॉन, इन सारी चीज़ों को उसमें फ्लक्स की कोटिंग की जाती है ताकि उससे हमें मॉइस्चर, उससे नमी से हम उसको बचा सकें, ऑक्सीडेशन से उसको हम बचा सकें। इस वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपरी सरफेस पर हम उसको क्या करते हैं, फ्लक्स की कोटिंग कर देते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड या फिर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो हमारे यहाँ पे अगर जिस प्रकार के इलेक्ट्रोड में अगर हमारा फ्लक्स की कोटिंग होगी, जैसे नियान है, आर्गन है, हीलियम है, इस सारी चीज़ों की जो कोटिंग होगी, तो हमारा वो इलेक्ट्रोड किसके अंतर्गत आएगा, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमने कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड या फिर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड का हम यूज कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का हमारा वर्कपीस है, किस प्रकार के वर्कपीस को हमें ज्वाइन करनी है। दूसरी बात आती है यहाँ पे फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल अगर हमारा इस वर्कपीस में आवश्यकता पड़ रही है कि हमें फिलर मटेरियल को ऐड करना है, तो हम फिलर मटेरियल का अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो हम यहाँ पे फिलर मटेरियल का ऐड नहीं कर सकते, मीन्स कि यहाँ पे जो फिलर मटेरियल उसको हम ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के वर्कपीस को हम वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने क्या किया, पावर सोर्स ऑन किया, तो इलेक्ट्रोड जो हमारे यहाँ पे जो करंट हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोड होल्डर पे, इलेक्ट्रोड केबल से होते हुए हमारा जो करंट है इलेक्ट्रोड होल्डर के पास, जैसे हम यहाँ पे वर्कपीस में इस इलेक्ट्रोड को टच कराएंगे तो हमारा यहाँ पे आर्क जनरेट होगी। जब आर्क जनरेट होगी तो ये हमारा जो जो वर्कपीस है वो लगभग कि हमारा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव टेम्परेचर तक आता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्क जनरेट हुए तो इस वजह से हमारा जो वर्कपीस है वो हीट होगा। जब वो हीट होगा तो इसका जो टेम्परेचर है लगभग हमारा अप्रॉक्स अबव टेम्परेचर हमारा जो होगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, या फिर मान लेते हैं 1600 डिग्री या फिर
2200 इस प्रकार के हमारी सब टेम्परेंस होने के बाद हमारा जो वर्कपीस क्या होगा वो मेल्ट होना शुरू कर देगा, मेल्टिंग पॉइंट में आ जाएगा। फिर क्या होगा उसको हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हमारा क्या होता है हमारा जो वर्कपीस होगा वो ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद हमारी सबसे पहले बात है जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ तो हमारा यहाँ पे जैसे हमारा ये कुछ देर के लिए छोड़ा कुछ देर के बाद हमारा जो वर्कपीस होगा वो ऑलरेडी ज्वाइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ज्वाइंट्स बनेगा हमने इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि जो जो ज्वाइंट्स होंगे वेल्डिंग के थ्रू वो हमारा परमानेंट ज्वाइंट होगा ना कि टेम्पोरी ज्वाइंट होगा। यहाँ पे जो वेल्डिंग हमारा प्रिपेयर होगा वो हमारा परमानेंट ज्वाइंट होगा। अगर अब इसको हमें दोनों वर्कपीस को अगर हमें अलग करना है तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा या फिर इसको कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ज्वाइंट्स बन के तैयार हुआ वो परमानेंट ज्वाइंट्स हमारा बनेगा। ये हमारा हो गया आर्क वेल्डिंग का जो हमारा डायग्राम था उसको हमने बता दिया कि कैसे इसका वर्किंग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसका जो मेन पार्ट्स हैं वो ट्रांसफार्मर एसी या डीसी। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रोड। अभी इलेक्ट्रोड हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, कंज्यूमेबल या फिर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का। यहाँ पर हमने फिलर डाटा ऐसे कोई लिखा नहीं हमने, लेकिन एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम फिलर डाटा का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पे अगला कंटेंट फिलर डाट, ठीक है। उसका जो इलेक्ट्रोड होल्डर है जो हमने बता दें इलेक्ट्रोड होल्डर जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड को क्लैंप करके रख देते हैं। फिर हमारा अर्थिंग क्लैंप, अर्थिंग क्लैंप क्या काम होता है कि ये हमारा वर्कपीस में अर्थिंग का क्लैंप रखना होता है। तो इसको हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर जिस भी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उस ट्रांसफार्मर से और वर्कपीस को एक रॉड होती है एक क्लैंप होती है पायर होती है उसको हम उसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि उसको अर्थिंग मिलती रहे। हमारा यहाँ जैसे हम इसको टच कराएंगे तो यहाँ पे आर जनरेट होगी, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग क्लैंप। और भी अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमारा वेल्डिंग क्लैंप हो जाएगा, फेस सील हमारा जो कि हमने बताया था हेल्थ के लिए हमारे बहुत जरूरी है कि उसकी जो आर्क है वो आर्क की रोशनी हमारे आंखों में ना पड़े या फिर उसकी जो आर्क है वो हमारे हाथ पे या शरीर पे ना आने पाए। सर सब क्या करते हैं वेल्डिंग ग्लव्स पहनते हैं, वेल्डिंग और फेस सील का भी इस्तेमाल करते हैं कि उसकी रोशनी हमारी आंखों में ना पड़े। उसके बाद वेल्डिंग बूट का भी हम यूज करते हैं, वेल्डिंग कोट जो कि पहनने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस, अब बात आती है कि जो आर्क वेल्डिंग है उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है। आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस एंड इलेक्ट्रिक आर्क टू क्रिएट हीट टू मेल्ट एंड जॉइंट मेटल्स। जो आर्क वेल्डिंग होता है इस प्रकार के आर्क वेल्डिंग होती है जिसमें कि हमारा एक हीट इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से उसमें हीट क्रिएट होता है जिस वजह से हमारा जो वर्कपीस होता है वो मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद कुछ देर बाद वो ठंडा होने के बाद ज्वाइंट हो जाता है। ए पावर सप्लाई क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक सोर्स इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन ए कंज्यूमेबल आर्क नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। हमने बताया कि जो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं वो कंज्यूमेबल भी हो सकता है नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो पावर आती है इस इलेक्ट्रोड के बीच वो कहाँ से आती है, हमने इससे पहले बताया कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से हमारा वो पावर हमारे हमें मिलती है। अब वो ट्रांसफार्मर कुछ भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। तो वैसे हमने बताया कि इसको अपनी लाइन में लिखना है बाकी कुछ है नहीं। वेल्डिंग प्रोसेस इज यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क टू क्रिएट हीट टू मेल्ट अ जॉइंट द मेटल्स। अ पावर सप्लाई क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन ए कंज्यूमेबल आर्क नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड बेस मटेरियल यूजिंग आइदर डायरेक्ट आर्क एसी करंट। हमने बताया था कि जो बेस मटेरियल है जो कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम एसी ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं या फिर डीसी ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। तो हमारा ये हो गया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का वर्किंग प्रोसेस और इसके मेन पार्ट और इसके स्कीमेटिक डायग्राम, ये सारी चीजें हमने बताया थी। अब बात आती है आगे की क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के वो हम देख लेते हैं आगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग सबसे पहले आता है हमारा SMAW सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। SMAW का मतलब है सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। उसके बाद दूसरा हमारा था GMAW, GMAW का मतलब है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को हम और भी नाम से जान सकते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के भी नाम से हम जान सकते हैं, मेटल आर्क गैस वेल्डिंग के भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है कि गैस कंजस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस कंजस्टन आर्क वेल्डिंग। ये सब हमारे जो टाइप्स हैं किसके आर्क वेल्डिंग। अब आर्क वेल्डिंग आता कहाँ पे है, वो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है जो कि टाइप्स हमारा किसका वेल्डिंग प्रोसेस का टाइप्स है। तो हमारा जो आर्क वेल्डिंग का टाइप है बताया SMAW
सील मेटल आर्क वेल्डिंग, उसके गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जिसको हम एमआईसी और एम मेटल आर्क गैस वेल्डिंग भी कहते हैं, और मेटल हेड गैस वेल्डिंग और मेटल आर्क गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। उसके गैस कंडक्शन आर्क वेल्डिंग तीसरा हमारा है। उसका चौथा जो हमारा आता है नेक्स्ट सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। उसके बाद हमारा फिफ्थ पोजिशन पे तो आता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। उसके नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो ये सारे हमारे जो टाइप्स हैं किसके क्लासिफिकेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के सारे टाइप्स हैं जो कि हमारा एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। तो गाइस ये हमारा हो गया आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट टाइम जब हम चलेंगे तो आगे आर्क वेल्डिंग के जो टाइप्स हैं वो हम एक एक करके यहाँ से शुरू करेंगे। जो सिंगल मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है, एमआईसी और मेटल आर्क गैस वेल्डिंग क्या होती है, फिर टंगल गैस कंडक्शन आर्क वेल्डिंग क्या होती है, फिर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है, फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होता है, फिर कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ते चलेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो आता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस का, जिसके अंतर्गत हमने बताया था पहला तो फ्यूजन वेल्डिंग बताया था, उसके दूसरी चीज हमने बताई थी कि प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है। प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, रोलिंग वेल्डिंग, ये सारी चीजें हमारी आती है प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो फिर हम आगे ये यहाँ पे चलेंगे सिंगल मेटल आर्क वेल्डिंग। ओके, थैंक यू।